हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूं आपको रेडमी नोट 9 पर जो मुझे बग्स मैंने फेस किए 12.05.0 का स्टेबल अपडेट करने के बाद, उसके बारे में दोस्तों मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूं। जब ये दोस्तों अपडेट आया था, इसके 2 दिन बाद ही मैंने इसे अपडेट किया था। इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस इसने जो है बताए थे दोस्तों, जो कि वो फिक्स करने वाले थे, जो कि इसमें आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इसमें दोस्तों बहुत सारे, ये देखिए आप व्हाट्स न्यू में जैसे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे बहुत सारे जो है चेंजेस उन्होंने करने के लिए बोला था, जो इस अपडेट के थ्रू फिक्स कर देंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद दोस्तों मुझे बहुत सारे यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स, बहुत सारे मुझे यहाँ पे बग्स अभी भी फेस कर देख सकते हैं। मोबाइल भी मेरा जब मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो देख कैसे स्लो चल रहा है। और आप देखिए स्टोरेज की वजह से नहीं, स्टोरेज मेरा 20.7 GB है, फिर भी जो है ये थोड़ा थोड़ा अभी धीमा चल रहा है। तो इसी को मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ और मैंने कौन कौन से इसमें बग्स जो है वो फेस किया है। दोस्तों ये वाला जो अपडेट था वो उसने काफ़ी हद तक सिक्योरिटी लेवल को भी इम्प्रूव किया, बग्स थोड़े बहुत ठीक किए दोस्तों, कैमरे भी आप कैमरा वाला भी दोस्तों थोड़ा सा उसने दोस्तों इम्प्रूव किया है कैमरे क्वालिटी में भी। पर दोस्तों उसके बावजूद भी कुछ यहाँ पे बग जो थे उसमें से दोस्तों पहले बग जो था, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब मैं चालू करता हूँ तो अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसा धीमा धीमा, ये तो ऐसा है थोड़ा बहुत इस तरह से दोस्तों लैग देखने को इसमें मिल रहा है दोस्तों। तो अगर आपके पास ये मोबाइल है रेडमी नोट 9 का, अगर आपको ये अपडेट मिला है तो आप थोड़ा इसको 2-3 दिन बाद ही दोस्तों डाउनलोड करिए। पहले आप इसको डाउनलोड मत करिए दोस्तों, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे बग्स हैं, हो सकता है आगे चल के ये बग्स ठीक हो जाए। उतने भी बग्स नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ कुछ हद तक जो है इसमें बग्स अभी भी हैं, उनको अभी भी फिक्स करने की ज़रूरत है। और दोस्तों अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ तो इस ऐप, ये जो अपडेट है 12.05.0 का, वैसे इसमें बहुत सारे नॉन बग्स जो थे यहाँ पे उसे सुधारा, जैसे इसने सिक्योरिटी लेवल को भी अच्छा किया, इसने नवंबर का सिक्योरिटी लेवल जो है दोस्तों दिया है और ये आगे भी देता रहेगा। पर फिर भी दोस्तों इसमें बहुत सारे अभी भी फिर भी बग्स जो है दोस्तों हैं। लेकिन इस अपडेट के तो बाद में कुछ जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये बंद हो जाता है, यहाँ पे नहीं दोस्तों, वो आप अगर न्यू कंट्रोल सेंटर यूज़ करते होंगे दोस्तों जो मिला है MIUI 12 के अंदर, आप यहाँ पे देखिए ये वाला, यहाँ पे जैसे आप ब्लैंक स्पॉट में क्लिक करेंगे अपने आप बंद हो जाएगा। पहले आप दोस्तों देखेंगे तो ये बंद नहीं होता था, पर आप जैसे अब यहाँ पे क्लिक करते हैं ये दोस्तों बंद हो जाता है। और इसका एक पोर्ट्रेट मोड भी दोस्तों यहाँ पे आया है, जैसे आप इसको करते हैं और ये सेटिंग को आप यहाँ पे कोई ऐप जो है ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए दोस्तों इस तरह का आपका दोस्तों ये आ चुका है। आप इस तरह से भी आप यहाँ को इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले है दोस्तों पॉसिबल नहीं। तो यही कुछ दोस्तों अपडेट इस MIUI 12 के स्टेबल वर्जन के साथ मुझे देखने को मिला है, और कुछ खास दोस्तों अपडेट यहाँ पे नहीं है। जैसे दोस्तों कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊँगा। इस तरह के मुझे अपडेट जो है यहाँ पे दोस्तों देखने को मिले। आप कमेंट करके बताइए, आपने अगर इसे इंस्टॉल कर लिया है तो आपको क्या इसमें अभी चेंजेस दिख रहे हैं, कुछ बग्स हैं तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों हमारे वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आप कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं जल्द ही उस पर एक वीडियो ज़रूर लाऊँगा।